नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए भारतीय नौसेना भर्ती परीक्षा AMAR के लिए प्रैक्टिस सेट, 15। इससे पहले 14 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और एक दो दिन से प्रैक्टिस सेट नहीं आ पा रहा था, लेकिन आज मैं लेके आ गया आप लोगों के लिए। और देखिए दोस्तों, मैंने जो क्वेश्चन रखे हैं एक तरीके से ये टेस्ट ही है आपका, ठीक है। अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने पढ़ाया है इन क्वेश्चंस को और ये प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग 20 प्लस ही स्कोर करोगे। अपना स्कोर जो है वो ईमानदारी से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। नए लोगों का पता नहीं, लेकिन जो लोग लगातार फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग जरूर अच्छा करेंगे और आज पता चल जाएगा कि आप लोग कितना ध्यान देते हैं मेरी वीडियोस पे, ठीक है। शुरू करेंगे, उससे पहले बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ई बुक नहीं लिया है जनरल साइंस और करंट अफेयर्स का, तो आप जाकर के ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर चेक कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। और हाँ, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर जुड़ जाओ हमसे, बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में। साथ ही PDF, इंपॉर्टेंट नोट्स, इन सब चीजों के लिए दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ID आपकी स्क्रीन पर है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, एक चीज और बोलना चाहूंगा आप लोगों से कि अगर आपने जो पहले वाला 14 पार्ट नहीं देखा है और 14 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, तो आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी, वीडियो के एंड में मिल जाएगी, जाकर के आप जरूर देख लेना इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं करवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बकवास में फालतू क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वहीं करवा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? हु बिकेम दी सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य? कुमारगुप्त प्रथम, बुद्धगुप्त, रामगुप्त और विष्णुगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी बना, ठीक है, उनके बाद राजा बना। तो ये कौन था कुमारगुप्त प्रथम, इसके बारे में जान लीजिए। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के पुत्र थे और इन्होंने लगभग 40 वर्षों तक शासन किया, ठीक है, 40 वर्षों तक शासन किया कुमारगुप्त प्रथम ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद, यही उत्तराधिकारी बने। यानी कि कुमारगुप्त फर्स्ट बिकेम द सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्रीय सेक्टर व अधूर संरचना पर ब्रिटिश सरकार ने सबसे ज्यादा निवेश कब किया? When did the British government invest the most on India's central sector and infrastructure? 17th century, 18th century, 19th century और 20th century? Right answer हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 19th century, 19वीं शताब्दी में सबसे ज्यादा निवेश किया केंद्रीय सेक्टर और अधूर संरचना पर ब्रिटिश सरकार ने भारत के, ठीक है, ये कब किया? 19वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर की स्थापना की गई थी, जिसका नाम 1875 में बदलकर भारतीय मौसम विभाग कर दिया गया? एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज द इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर एस्टैब्लिश्ड रीनेम्ड इन 1875 टू द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट? पुणे, मुंबई, कलकत्ता और हैदराबाद। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि कोलकाता हो जाएगा। दोस्तों, जो अभी हम सुनते हैं हमारा कि भारतीय मौसम विभाग, उसका पहले क्या नाम था? इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर, ये याद रखिएगा आप लोग। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको बदला कब गया था इसका नाम, 1875 में, और ये कहां पे है? कलकत्ता में स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग जरूर से याद रखिएगा। नाम है पुराना इंपीरियल मेट्रोलॉजिकल रिपोर्टर, जिसे बदल करके 1875 में भारतीय मौसम विभाग किया गया और ये कोलकाता में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, सन 1718 में वाल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, उसका नाम क्या था? इन 1718 वाल्टेयर पब्लिश हिज फर्स्ट वर्क, व्हाट वाज हिज नेम? एमिल, ओदीप, सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट और स्पिरिट ऑफ लॉज? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ओदीप। सन 1718 में वाल्टेयर ने अपनी प्रथम रचना प्रकाशित करवाई, जिसका नाम था ओदीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अनुमानित आयु लगभग कितनी है? व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ? 3.5 अरब वर्ष यानी कि बिलियन ईयर्स, 4.5 बिलियन ईयर्स, 4 बिलियन ईयर्स और 2.5 बिलियन ईयर्स? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4.5 बिलियन ईयर्स इज द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की अनुमानित आयु इतनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
माधव राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? माधव नेशनल पार्क इज इन विच स्टेट? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मध्य प्रदेश। माधव नेशनल पार्क इज इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्र संघ की असेंबली में सदस्य राष्ट्र के कितने प्रतिनिधि होते थे जिनमें से मत देने का अधिकार एक को ही था? इन द असेंबली ऑफ द लीग ऑफ नेशंस हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशंस वेयर देयर आउट ऑफ विच ओनली वन हैड द राइट टू वोट? 1, 2, 3 और 5। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 3। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट्स द आइबेरियन पेनिजुला फ्रॉम द रेस्ट ऑफ यूरोप? कार्बेट पर्वत, जूरा पर्वत, पायरनीज और मोंट ब्लांक मेसिफ? राइट आंसर हो जाएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पायरनीज। पायरनीज जो है ये आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है, यानी सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, भारतीय मंदिरों में से कौन सी विशेषताएं मिस्र के मंदिरों के पाइलंस जैसी दिखती हैं? विच ऑफ दी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन टेम्पल्स रिसेम्बल्स पाइलोन्स ऑफ इजिप्टियन टेम्पल्स? लाट, विमान, गोपुर और शिखर? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गोपुर। गोपुर जो है ये मिस्र की मंदिरों की तरह दिखती है, समानता पाई जाती है हमारे मंदिरों में। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में किसका वेतन आयकर से मुक्त है? हुज सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया? राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सभी मंत्री, ऑल मिनिस्टर्स एंड लोकसभा स्पीकर? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट सैलरी इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में भारत के राष्ट्रपति का वेतन जो होता है वो आयकर के अंतर्गत नहीं आता, आयकर से मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावस्ती 16 महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी थी? श्रावस्ती वाज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ दी 16 महाजनपदाज? कोसल, अंग, मगध और वत्स? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि कोसल। श्रावस्ती जो थी ये कोसल महाजनपद की राजधानी थी, जो कि 16 महाजनपद में से एक था। नेक्स्ट है, सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया? विद विच कंट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज द रिलेशनशिप डिफाइंड बाय द ट्रीटी ऑफ सगौली? भूटान, बर्मा, चीन यानी चाइना और नेपाल? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नेपाल। सगौली की संधि किनके बीच में हुई? ब्रिटिश भारत के शासकों के और नेपाल के राजा के बीच में हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की? हु कंपोज दक्ष कुमार चरितम? दंडिन, वैरवी, कालिदास और इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि दंडिन कंपोज्ड दक्ष कुमार चरितम। दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडिन ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोगुंडा का युद्ध किस प्रदेश में हुआ? इन विच स्टेट वाज द गोगुंडा वार फॉट? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि राजस्थान। इन राजस्थान वाज द गोगुंडा वार फॉट, गोगुंडा का युद्ध राजस्थान प्रदेश में हुआ। दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें बता देता हूं आप लोगों को, क्योंकि हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। दोस्तों सबसे पहले तो बात करें तो ये हुआ कब था, तो 21 जून को हुआ था, 21 जून और 1576 को गोगुंडा का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर का सेनापति था मान सिंह। कौन था? मान सिंह अकबर का सेनापति था और महाराणा प्रताप के बीच में 21 जून 1576 को गोगुंडा का युद्ध हुआ था, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 962 ईस्वी में गजनी वंश की स्थापना की? हु फंडेड दी गजनी डायनेस्टी इन 962 AD? अलप्तगीन, सुबुक्तगीन, महमूद गजनवी और शाह महमूद? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी अलप्तगीन। 962 में गजनी वंश की स्थापना की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? हु फंडेड सोमपुरी यूनिवर्सिटी? रामपाल, गोपाल, धर्मपाल और इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी कि धर्मपाल फंडेड सोमपुरी यूनिवर्सिटी। सोमपुरी यूनिवर्सिटी की स्थापना धर्मपाल ने
की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टी? होयसल, पांडे, चेर और चोल। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि होयसल। द्वार समुद्र वाज द कैपिटल ऑफ होयसल डायनेस्टी यानी कि होयसल वंश था, जैसे कि चेर वंश, चोल वंश, मौर्य वंश, इस तरीके से ही होयसल वंश था और उसकी राजधानी थी द्वार समुद्र। ठीक है, कौन सी? द्वार समुद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? व्हाट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? कोर, क्रस्ट यानी भूपट्टी, मेंटल और मैगमा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि क्रस्ट यानी भूपट्टी जो है ये पृथ्वी की सबसे बाहरी परत होती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छा स्कोर करोगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना होता है? हाउ मच डू कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया हैव टू स्पेंड ऑन देयर एक्सीलेंस? 25%, 35%, 45% और 40%। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 40%। भारत में वाणिज्यिक बैंकों को उनकी उत्कृष्टता पर 40% खर्च करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से प्रधानमंत्री लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं? विच प्राइम मिनिस्टर इज नॉन फॉर हिज आयरन कर्टेन स्पीच? क्लाइमेट एटली, विंस्टन चर्चिल और हर्बर्ट मोरिसन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि विंस्टन चर्चिल लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वी ए स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? विच इंडियन किंग हैज बीन कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया बाई वी ए स्मिथ? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और समुद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी समुद्रगुप्त। दोस्तों यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन बन रहे हैं, देखिए कैसे समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो ये सवाल भी आ सकता है कि भारत का नेपोलियन किस शासक को बोला जाता था, तो समुद्रगुप्त हो जाएगा। सेकंड है कि किसने जो है उपाधि दी या फिर बोला था, तो वी ए स्मिथ ने समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला था। ठीक है, ये आप लोग जरूर से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ? फ्रॉम विच डेट डिड द रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट? 10 मई, 16 अप्रैल, 26 ऑफ अप्रैल और 11 ऑफ मई। राइट आंसर 10 मई से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। कहाँ से? मेरठ से। मेरठ से शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ पूंजीवाद का, आधुनिक युग का, वैचारिक क्रांति का और फैसिज्म का। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी आधुनिक युग का यानी कि मॉडर्न इरा का। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन रिजल्टेड इन द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न इरा यानी औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप आधुनिक युग का प्रादुर्भाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस का अंतिम जार कौन था? हु वाज द लास्ट जार ऑफ रसिया? निकोला फर्स्ट, निकोला सेकंड, एलेक्जेंडर सेकंड और एलेक्जेंडर थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी निकोलस सेकंड वाज द लास्ट जार ऑफ रसिया। रूस का अंतिम जार था निकोलस द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर म्यांमार? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी असम की जो सीमा है वो म्यांमार से नहीं लगती है। असम राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के 25 क्वेश्चन यानी कि एक प्रैक्टिस सेट पूरा, और आई होप कि आप लोग इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर करोगे। आप बिल्कुल ऑनेस्टली अपना स्कोर कॉमेंट करना, चाहे कम हो या फिर ज़्यादा हो। कम हो तो उसको हम इम्प्रूव करेंगे और ज़्यादा होगा तो मुझे देख करके खुशी होगी कि हाँ, जिन लोगों की मैं तैयारी करवा रहा हूँ वो लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, हर वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और हर एक टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, एक शेयर जरूर करना है क्योंकि एक एक शेयर से बहुत शेयर हो सकता है, और साथ ही साथ आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम
के लिए आप देख रहे हैं, दोनों की आईडी आपकी स्क्रीन पर है और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो जैसे भी आपको कंफर्टेबल फील हो आप वहां से जाओ और जल्दी से ज्वाइन कर लो दोनों जगहों पे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स वहां पे आने वाली हैं फ्यूचर में। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।